हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों हमारे महिंद्रा गस्तो है हमारे पास, तो इसका जो हम ये फ़िल्टर है एयर फिल्टर, हम इसको चेंज करने वाले हैं। किस तरह फ़िल्टर चेंज होगा तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ किस तरह इसका एयर फिल्टर चेंज करें। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करिए, चलिए शुरू करते हैं। ये महिंद्रा का एयर फिल्टर है दोस्तों। ये हम इसे खोलना पड़ेगा हमको, चलिए बताता हूँ मैं। ये जो आगे दोस्तों महिंद्रा के क्लच की साइड, ये ऊपर एक पेच लगा होता है, अब हमें इसे खोलना पड़ेगा। और एक जो पीछे की साइड होती है दोस्तों, इसमें पेच होता है, इसको भी हमें खोलना पड़ेगा। और ये दोनों नट खोलने के बाद दोस्तों, ये जो उसकी प्लेट है ये बाहर आ जाएगी। जैसे कि ये बाहर आ चुकी है। अभी बाहर आने के बाद दोस्तों, ये सारे पेज जो हैं इसके चार हमें खोलने पड़ेंगे। इसी के अंदर इसका एयर फिल्टर होता है। और एयर फिल्टर दोस्तों आपको हर सर्विस में आपको चेंज करवा लेना चाहिए, ऐसा कंपनी लिख के देती है। और ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि इससे माइलेज, पिकअप, एवरेज सब चीज़ें फ़र्क पड़ता है दोस्तों। तो ये दोस्तों देख लीजिए, जैसा कि ये हमारा फिल्टर बाहर आ चुका है, ये ख़राब हो रहा है। और हम इस कपड़े से पूरे को साफ़ कर लेते हैं, अंदर भी इसको साफ़ कर लेते हैं पूरा। कपड़ा मारने के बाद दोस्तों, इसका जो ये प्लेट है इसमें फ़िल्टर, हम इसको जॉइंट कर लेते हैं फ़िल्टर को। फिल्टर जैसा कि देख लो दोस्तों, जॉइंट हो चुका है। अब उसके बाद इसको डाल देते हैं बड़ी आसानी से। इसके बाद दोस्तों, इसके जो चारों पेच थे उसको टाइट कर लें। चारों पेच टाइट कर लें। दोस्तों इनमें जो है जेन्युइन फ़िल्टर यूज़ करें। अगर आपको कुछ अच्छा एवरेज वगैरह, माइलेज वगैरह अच्छा चाहिए तो आप इसमें जेन्युइन फ़िल्टर का ही यूज़ करें, क्योंकि लोकल फ़िल्टर दोस्तों ज़्यादा चलते नहीं हैं। और उससे पहले आपका एवरेज वगैरह बिगाड़ देते हैं। तो जैसा कि दोस्तों चारों नट टाइट हो चुके हैं। अब उसके बाद दोस्तों, इसकी जो प्लेट जो खोली थी वो बड़ी आसानी से हम लगा लेते हैं, जिस तरह खोली थी हमने। और जैसे जैसे दोस्तों खोली थी वैसे वैसे दो नट लगा लेती हैं। दोस्तों हमारी वीडियो दोस्तों यहीं तक थी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। और कमेंट में हमें हम आप हमें बता सकते हैं, आपको कोई अगर किसी गाड़ी में दिक्कत परेशानी है तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताएं, मैं उसका जल्द से जल्द निवारण करके दूंगा। और आपको और कोई सामान वगैरह चाहिए तो हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों